क्या आपको फोटोग्राफी का शौक है लेकिन आपके पास कोई बहुत ज्यादा हाई एंड कैमराज इक्विपमेंट लाखों के कैमराज नहीं अवेलेबल, आपके पास सिर्फ मौजूद है एक नॉर्मल मिड रेंज या पर मिड रेंज लेवल का फोन जो कि अमूमन 60 से 70 हज़ार रुपए के दरमियान मार्केट में मिल जाता है और आप उससे बहुत अच्छे पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता हाउ टू फ्रेम इट प्रॉपरली, तो वॉच द वीडियो कम्प्लीट क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन से ली हुई पिक्चर कैसे इजिली कम्पीट करती है एक प्रोफेशनल कैमरा। पिक्चर को बहुत इजीली आप कंपीट कर सकते हैं अच्छे से एक प्रोफेशनल कैमरा से ली हुई पिक्चर के साथ। मैं यहां पर स्पेसिफिकली पिक्चर की बात कर रहा हूं क्योंकि एक प्रोफेशनल कैमरा की ली हुई वीडियो बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होती है एज कंपेयर टू एक किसी फोन के कैमरा से ली हुई वीडियो के साथ, बेशक वो हाई एंड लेवल फोन ही क्यों ना हो। बट व्हेन इट कम्स टू पिक्चर्स, तो अगर आपको फोटोग्राफी को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पता है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे एक्सप्लेन करूंगा, जिनमें लाइट्स आ जाती हैं, एंगल्स आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव आ जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिसके थ्रू अगर आपके पास कोई नॉर्मल स्मार्टफोन अपर मिड रेंज या मिड रेंज लेवल का होगा तो आप अपनी स्मार्टफोन फोटोग्राफी स्किल्स को बहुत ज्यादा एनहेंस कर सकेंगे इस वीडियो के बाद। एंगल्स, पर्सपेक्टिव, सारे रूल्स फोटोग्राफी के अप्लाई करके एक अच्छी पिक्चर लेनी आती है तो कोई बंदा जज नहीं कर सकता कि आपको प्रोफेशनल कैमरा से ली हुई पिक्चर में और नॉर्मल स्मार्टफोन कैमरा से ली हुई पिक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं यहाँ पर विद रेफरेंस, विद एग्जाम्पल, साइड बाई साइड कंपेयर करके भी दिखाऊंगा और ऑन फील्ड जाके आपको हर एक कैटेगरी की एग्जाम्पल लूंगा फोटोग्राफी में। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन फोटोग्राफी। अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो येस, फोन से भी आप बहुत अच्छी इमेजेस ले सकते हैं और कैमरा से भी। अगर आप लैंडस्केप या नेचर की पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो यस, अगेन आप अपने फोन से भी वही पिक्चर्स ले सकते हैं जो कि आप प्रोफेशनल कैमरा से ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा प्रोडक्ट फोटोग्राफी के ऊपर, लैंडस्केप फोटोग्राफी के ऊपर, जिसमें यानी कि बड़े फ्रेम्स होते हैं। अगर आपको नॉर्मल कोई भी स्ट्रीट की अगर आप पिक्चर ले रहे हैं, गार्डन की या किसी बिल्डिंग की अगर आप पिक्चर ले रहे हैं बड़े फ्रेम के साथ विदाउट फोकसिंग किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर, तो आप दोनों चीज़ों से यानी कि फ़ोन से भी कैमरा से भी बहुत अच्छी सी इमेजेस ले सकते हैं और किसी को भी अगर आप वो इमेजेस दिखाएंगे तो आई डोंट थिंक कोई इजीली जज कर सकेगा कि कौन सी पिक्चर किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ली गई है। तो यहाँ पर बिफोर फील्ड में जाके मैं आपको वन बाय वन डेमोंस्ट्रेट करूँ एग्जाम्पल्स के साथ, थोड़ा सा आपको लेंसेज के बारे में नोहा होना ज़रूरी है। तो आजकल आपको पता होगा ज़्यादातर फोन्स के अंदर, स्पेशली इस वीडियो के अंदर मैं जो फोन यूज़ करूँगा दैट इज़ गोइंग टू बी सैमसंग गैलेक्सी A72, विच इज़ अ मिड रेंज अपर मिड रेंज लेवल का फ़ोन, लास्ट ईयर की रिलीज़ है, तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन है। इससे ली हुई पिक्चर और प्रोफेशनल कैमरा यानी कि सोनी A7S III के साथ ली हुई पिक्चर, यानी कि तकरीबन 8 लाख का वो कैमरा है। तो 8 लाख के कैमरा विद लेंस और 70 हज़ार रुपये का फ़ोन, दोनों से ली हुई पिक्चर एक जैसी कैसे लगेगी आपको, वो आप सैंपल से इजीली देख के जज कर सकेंगे। लेकिन लेंसेज की अगर बात करें तो A72 के अंदर आपको पता है 4 लेंसेज मिलते हैं, जिनमें एक मेन कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, एक टेलीस्कोप कैमरा है और एक मैक्रो कैमरा है। अब यहाँ पर मेन कैमरा तो तकरीबन सभी फोन्स के अंदर होता है। मेन कैमरा से मुराद यानी कि जो फ़ोन का प्राइमरी कैमरा होता है जिसके थ्रू आप पिक्चर्स लेते हैं, जो कि एक नेचुरल व्यू प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, एज यू ऑल नो, अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो ओवरऑल फील्ड ऑफ व्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इतने डिस्टेंस से अपने कैमरा से पिक्चर ले रहे हैं नॉर्मल कैमरा से, तो आपको सब्जेक्ट बिल्कुल उतना ही नज़र आएगा, मतलब जितना आपको फॉर एग्जांपल रियल टाइम में अपने नेकेड आई से नज़र आता है। लेकिन अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से पिक्चर लेंगे सेम ऑब्जेक्ट की सेम डिस्टेंस के साथ, तो वो थोड़ा सा मजीद पीछे चले आते हैं कैमरा, मतलब आपको एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर व्यू नज़र आता है, वो चीज़ और ऐसे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस से ली गई है, मतलब बड़ी बड़ी दिखती है। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर मेनली फोन्स के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है वो मेनली यूज़ किया जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंडस्केप्स कैप्चर करने हैं, आर्किटेक्चर को, बड़ी बिल्डिंग्स को कैप्चर करने हैं अच्छे से, एक छोटे से कमरे को भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके दिखाना है, तो उसके लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि आजकल बहुत सारे फोन्स के अंदर अवेलेबल होता है। सो लेट मी टेल यू फ्यू बेसिक्स बिफोर टेकिंग एनी पिक्चर। अगर आप अपने फोन के कैमरा के थ्रू या किसी भी फोन के कैमरा के थ्रू कोई पिक्चर लेने लगे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पॉकेट से फोन को निकालते ही सबसे पहले आपने अपने लेंस को साफ करना है, क्योंकि हल्की सी भी फिंगरप्रिंट्स अगर लगती हैं लेंसेज के ऊपर तो फिंगरप्रिंट्स के निशान की वजह से पिक्चर्स में वो वाली शार्पनेस नहीं रहती, थोड़ी सी ब्लरीनेस आ जाती है। तो मेक श्योर एक अच्छे से कपड़े या अगर आपने कॉटन की कोई शर्ट पहनी हुई है उससे आप अपना लेंस कैमरे का साफ करें। सेकंड पर आप अपने कोई भी फोन यूज करें, बेशक मिड रेंज लेवल का फोन हो, लोअर मिड रेंज लेवल का फोन, ये सेटिंग हर फोन के अंदर होती है, विच इज रूल ऑफ थर्ड की ग्रेड।
ग्रेड्स की आपने सेटिंग्स में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सा फ़ोन है। सेटिंग्स के अंदर अमूमन ग्रेड्स की ऑप्शन के अंदर आपको रूल ऑफ थर्ड का ग्रेड लाजमी मिलेगा, मतलब 50,000 से अब जितने भी फ़ोन हैं उनके अंदर लाजमी ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब ये रूल ऑफ थर्ड ग्रेड से बेसिकली होता क्या है, ये आपको हेल्प आउट करती है फ्रेमिंग में, और मेक श्योर करना है आप अपने फ़ोन के कैमरा से फोटोग्राफी में स्पेसिफिकली जब भी पिक्चर ले रहे हैं तो रेजोल्यूशन आपके फ़ोन की हाईएस्ट क्वालिटी पे सेट हुआ हो। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में जब भी आप कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सेटिंग में आपको नॉर्मल क्वालिटी, लो क्वालिटी और हाईएस्ट क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा, तो मेक श्योर करें कि आपके फ़ोन के कैमरा की सेटिंग हाईएस्ट क्वालिटी पे सेट हुई हुई है, मतलब मैक्सिमम रेजोल्यूशन के ऊपर। नाउ कम्स बेसिक रूल्स ऑफ फोटोग्राफी, जो कि आप बेशक फ़ोन से पिक्चर लें या कैमरा से पिक्चर लें, ये रूल्स फोटोग्राफी में सारी किस्म की फोटोग्राफी में अप्लाई होते हैं, जिनमें सबसे पहली जो मेन चीज़ है दैट इज़ फ्रेमिंग। मतलब अगर आप बेशक किसी सब्जेक्ट की पिक्चर ले रहे हैं, बेशक वो बंदा है, वो बिल्ली है, वो कोई फ्रूट है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को अपने फ्रेम में किस जगह पे प्लेस करना है कि वो अपीलिंग नजर आए। अगर आप स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के बगैर आप एक वाइडर फ्रेम ले रहे हैं जिसके बारे में स्पेसिफिकली वीडियो है, मतलब अगर आपको कोई बिल्डिंग, कोई सनसेट कैप्चर करना है, कोई अच्छा सा लैंडस्केप, कोई अच्छी सीनरी कैप्चर करनी है, तो आप फ़ोन से भी बिल्कुल वैसी इमेज कैसे इजीली ले सकते हैं जैसे आप कैमरे से ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको 5-6 रूल्स याद करने होंगे, जिनमें द फर्स्ट वन इज रूल ऑफ थर्ड, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि आप अपने फ्रेम में इंटरेस्टिंग फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पहला प्रोडक्ट, ये गमला है मेरे सामने, यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी की एग्जाम्पल है, ग्रिड लाइन को मैंने ऑन कर दिया, मैं आपको कॉम्पोजिशन की, बैड कॉम्पोजिशन की एक एग्जाम्पल दिखाऊँ, तो यहाँ पर एक पिक्चर मैं ले रहा हूँ जिसमें मैंने कोई भी कॉम्पोजिशन वगैरह नहीं सेट की। सो दिस इज़ वन पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ की अगर मैं रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक थर्ड ग्रिड पर अगर मैं इसको सेट करके ले रहा हूँ पिक्चर, सो नाउ यू कैन सी कि ये वही प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी मैंने अगर विदाउट अप्लाइंग एनी रूल्स मैंने एक पिक्चर रैंडम ली है तो ऐसी आई है। यही पिक्चर अगर मैंने थोड़ा सा सर्टेन एंगल, डिफरेंट एंगल से लिया है रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक, तो ये पिक्चर एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग है। ओके, सो नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वाइड फ्रेम में कोई भी पिक्चर लेनी है, जैसे कि एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड, ये यहाँ पर एक बड़ा फ्रेम है जिसमें एज सच कोई मेन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर कोई बंदा खड़ा हो या कोई चीज़ हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इन फोटोग्राफी। लेकिन अगर मुझे पूरा फ्रेम ही कैप्चर करना है, पूरा फ्रेम ही इटसेल्फ मेरा ऑब्जेक्ट है, तो फिर अगर आप अपने फ़ोन से पिक्चर लेना चाहें कैमरा के थ्रू, या अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा भी है, आई बेट आप दोनों पिक्चर्स में कोई एज सच डिफरेंस फील नहीं कर सकेंगे। लेट मी शो यू अ क्विक सैम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्मल बंदा पिक्चर लेगा अपने स्मार्टफोन से किसी भी चीज़ की, किसी सब्जेक्ट की, अब यहाँ पर इस फ्रेम में मेरी ये जो गाड़ी खड़ी है ये मेरा सब्जेक्ट है, अब अगर इसका एक नॉर्मल बंदा पिक्चर लेगा तो प्रोबेबली इसी एंगल से, मतलब जिस एंगल से भी नज़र आ रही है गाड़ी, किसी भी एंगल से, फ्रंट से, साइड से, वो पिक्चर ले लेगा। और नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस गाड़ी की पिक्चर लेनी है तो मैं प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, तो अगेन मैं प्रोडक्ट की थोड़ी सी लो एंगल से पिक्चर लूँगा, थोड़ा सा साइड एंगल से पिक्चर लूँगा जिसमें प्रोडक्ट उठ के नज़र आए थोड़ा। कैसे? लेट मी शो यू विद प्रॉपर रूल ऑफ थर्ड की ग्रेड। तो सबसे बेसिक चीज़ तो ऑब्वियसली याद रखें कि सब्जेक्ट को अगर आप ले रहे हैं तो जो बेसिक रूल है उसमें ये है कि आपने सब्जेक्ट को पूरा, मतलब कोई भी चीज़, मेक श्योर कि सब्जेक्ट की कटे ना। फॉर एग्जांपल अगर आप पिक्चर ले रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन कुछ लोग स्टिल, अगर बहुत बिगिनर लेवल पर फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो उनके लिए अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट की कोई चीज़ आपने काटनी नहीं है, सब्जेक्ट को पूरा मेक श्योर ज़रूर लें। अब यहाँ से अगर एक नॉर्मल बंदा पिक्चर लेगा तो वो जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हुआ, सिंपल दे विल जस्ट क्लिक द पिक्चर और ये पिक्चर आपके सामने आ गई। लेकिन इफ मुझे अगर इसकी पिक्चर लेनी है तो मैं रूल ऑफ थर्ड, एज यू कैन सी अगर आप इसको क्लोजली देखें तो जो ग्रिड बनी हुई है इसकी हेल्प से मैं कैसे, अगर मुझे गाड़ी को प्रोडक्ट है इसको हाईलाइट करना है तो मैं कैसे किस जगह पर मैं इसको रखूंगा कि प्रोडक्ट हाईलाइट होके, फोकस होके ज़्यादा अच्छा कंपोजिशन एस्थेटिकली अच्छा लगेगा। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने फ़ोन को यूं नहीं रखा, मतलब आपने इतना ज़्यादा ग्राउंड नहीं कैप्चर करना, मैंने थोड़ा सा फ़ोन को अपना पोजिशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टिल्ट किया ऊपर की तरफ। एंड नाउ इस ग्रिड का मकसद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, मतलब ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं रूल ऑफ थर्ड में। अब ये यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है पूरे फ्रेम के अंदर, जो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आइधर इस वाले पॉइंट पर, आइधर इधर, आइधर इधर या फिर इधर। सो आपका जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली इन 4 पॉइंट्स में किसी एक पॉइंट पर बैठना चाहिए। ये एक पिक्चर है एंड नाउ दिस इज़ वन पिक्चर। अब इसमें से एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग एक नॉर्मल बंदा भी देख के बता सकता है कि यार दिस इज़ नॉट अ गुड पिक्चर बट दिस इज़ अ वेरी गुड पिक्चर। कैसे? सिंपल रूल ऑफ थर्ड की ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया अभी। और स्पेशली जो अक्सर हम लोग HDR का जिक्र करते हैं वीडियो के अंदर, पिक्चर के अंदर, कैमराज के अंदर,
तो हाई डायनेमिक रेंज आपको लाजमी ऑन रखनी है अपने फ़ोन की ताकि आप मैक्सिमम डिटेल्स कैप्चर कर सकें शेडोज़ के अंदर से भी और हाईलाइट के अंदर से भी। उसके बाद फिर काफ़ी इजी हो जाता है, आप अपने मूड के मुताबिक उसको एडिट इजीली कर सकते हैं, एटलीस्ट डिटेल्स आप मैक्सिमम कैप्चर करें। किस पर्सपेक्टिव से आप वो पिक्चर लेंगे, फोकल लेंथ कितनी होगी, किस एंगल से आप पिक्चर लेंगे, ये सारी चीज़ें सारे रूल्स मिलकर एक अच्छी फोटो बनाते हैं। सो नाउ लेट्स जंप बैक टू द फील्ड और मैं आपको दोनों से मतलब एक बुरी पिक्चर और एक अच्छी पिक्चर इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग फ़ोन से ही दोनों पिक्चर्स ली होंगी, लेकिन क्यों आपको एक पिक्चर ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, क्यों एक पिक्चर आपको थोड़ी नॉर्मल नज़र आएगी, सिर्फ कुछ रूल्स और बेसिक फोटोग्राफी के जो रूल्स हैं वो आप अप्लाई करने से कैसे एक नॉर्मल पिक्चर को अच्छा फ्रेम करके एक अच्छी पिक्चर बना सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मेन कैमरा और अभी मैंने बिल्कुल नॉर्मल सामने खड़े होकर पिक्चर ले रहा हूँ, बिल्डिंग बस बिल्डिंग का फ्रंट नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल पिक्चर है नॉर्मल कैमरा से। एंड नाउ अगर इसी को मैंने ग्रैंड लुक देनी है, थोड़ा सा मजीद बड़ा करके दिखाना है इस बिल्डिंग को, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैंने अल्ट्रा वाइड पर स्विच किया और नीचे बैठकर थोड़ा सा बेंड होकर इस बिल्डिंग की पिक्चर ली। सो दिस इज़ बिफोर, जो मेन कैमरा से मैंने पिक्चर ली थी, नो डाउट मेन कैमरा का रेजोल्यूशन थोड़ा बड़ा होता है, पिक्सेलेट जल्दी नहीं होती इमेज, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा ने क्या किया, उसी को थोड़ा जब मैंने नीचे से लो एंगल से पिक्चर ली है तो अल्ट्रा वाइड कैमरा ने उसको थोड़ा सा वाइड करके फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा के यहाँ से मजीद ग्रैंड लुक दे दी। अब ये बिल्डिंग की हाइट ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर थोड़ी सी हाइटेड बिल्डिंग है तो उसकी हाइट को मजीद आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा नीचे बेंड होकर। ओके सो फॉर ह्यूमन एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई भी बंदा खड़ा है या अगर आपने किसी का पोर्ट्रेट लेना है तो उसके लिए व्हाट इज़ रिकमेंडेड, नॉर्मली लोग सामने से एक नॉर्मल पिक्चर लेते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल फ्रेम है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने फ्रेम को एनालाइज करना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पीछे ग्रीन बैकग्राउंड आ रहा है लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा आसमान है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की हाईलाइट्स होंगी तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर फेस पर अच्छी लाइट नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इसका HDR ऑन किया हुआ है तो फिर भी थोड़ा बहुत शेडोज़ को लिफ्ट अप कर देगा ये फ़ोन, हाईलाइट्स को ड्रॉप कर देगा, लेकिन अभी मैं इसी सब्जेक्ट की बेहतर पिक्चर आपको लेके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ पोर्ट्रेट एंड व्हाट इज़ द बैड एग्जाम्पल। ये मेरा पूरा फ्रेम है एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइंस, इस सब्जेक्ट की अगर मैंने पिक्चर लेनी है तो मैंने ग्रिड लाइन के बिल्कुल सेंटर में सब्जेक्ट को प्लेस किया, थोड़ा सा इधर हो जाओ। अब मैंने इसी ग्रिड लाइन में अपने सब्जेक्ट को सेंटर वाली ग्रिड के अंदर प्लेस किया है और अगर आपको नॉर्मल पिक्चर लेनी है सो दिस इज़ द नॉर्मल पिक्चर जो कि सामने के एंगल से आएगी और अगर मैंने इसी सब्जेक्ट की थोड़ी सी फील बढ़ानी है, हाइप बढ़ानी है, ग्रैंड लुक देनी, अच्छी फ्रेमिंग करनी आती है आपको, कितनी अच्छी कॉम्पोजिशंस बनानी आती हैं, बट रिमेंबर ये चीज़ सिर्फ ये एक वीडियो देख के ओवरनाइट नहीं डेवलप हो जाएगी, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली पिक्चर्स लेते रहेंगे आपको फ्रेमिंग का बेहतर आइडिया होता रहेगा, आपको कंपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनानी आ जाएगी, आपको लाइट के साथ अच्छे से खेलना आ जाएगा और अल्टीमेटली आप एक मिड रेंज लेवल फ़ोन से भी बहुत अच्छे पिक्चर्स कैप्चर करने के काबिल बन जाएंगे। सो इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी पिक्चर्स आपको दिखाई हैं वो सारी पिक्चर्स कैमरा से भी और फ़ोन से भी सारी रॉ क्वालिटी इमेजेस थी, मतलब जैसे फ़ोन से कैप्चर हुई वैसी मैंने आपको शो की विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिट और कलर मैनिपुलेशन। बट अगर आप लोग अपनी पिक्चर्स को बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग यानी कि एडिट करते हैं, आप कलर्स एनहेंस करते हैं, थोड़ी बहुत फ्रेमिंग मजीद एडजस्ट कर सकते हैं आप एडिट के अंदर, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन, हाईलाइट, शेडो, ये सारी चीज़ें आती हैं एडिट के अंदर, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फोटोग्राफी। क्योंकि मेरे मुताबिक 50% इज़ द पिक्चर और बाकी के 50% उस पिक्चर को इन्हेंस करने के लिए एडिट यूज़ होती है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं पिक्चर्स को कैसे एडिट किया जाता है और आप अपने फ़ोन से एक अच्छे एडिटर के थ्रू, प्रोफेशनल एडिटर के थ्रू कैसे अच्छी पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि फिर आगे जाके मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ यू कैन एडिट प्रोफेशनल पिक्चर्स थ्रू योर स्मार्टफोन। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको मजीद कुछ भी जानना है फोटोग्राफी रिलेटेड या वीडियोग्राफी रिलेटेड स्पेशली विद योर स्मार्टफोन तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।